हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊं कि आप कैसे अपनी अल्ट्रा वॉच या कोई भी वॉच हो जिस पे रिकमेंडेड है प्रोफिट ऐप, आप उससे कनेक्ट कैसे करोगे। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपको कनेक्ट कैसे करना है प्रोफिट ऐप से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रोफिट ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है यहाँ प्रोफिट बैंड। एक्चुअली वो ऐप का पूरा नाम प्रोफिट बैंड है। तो आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको पहला ऐप देखने मिलेगा प्रोफिट बैंड का। तो आपको बस इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, ये ऐप को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया। तो आप देखोगे तो आपको सबसे पहले लिख के आएगा प्रोफिट। तो यहाँ आपको स्टेप काउंट दिखेगा और सेटिंग्स ओपन होगी, पर उसमें कुछ वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी तक डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ डिवाइस कनेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको लोकेशन को अलाउ करना है, और इसको अलाउ करना है कि आपके नियर बाय डिवाइस ये सब डिटेक्ट कर सके। तो आपको अब अपने फ़ोन में जाना है और ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ मैंने ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ वॉच फाइंड होगी, तो आप देखोगे तो यहाँ वॉच अल्ट्रा लिख के आ चुका है और वॉच कनेक्ट होगी। तो अब तक मैंने वॉच को पहन के कोई स्टेप्स लिए नहीं थे, इसलिए इसमें आ नहीं रहे, नहीं तो अब तक अपडेट हो जाते थे। तो अब आप देखोगे तो वॉच को पहन के मैंने सिर्फ 50 स्टेप्स लिए और 2.06 कैलोरीज मैंने बर्न की है और 0.03 किलोमीटर्स, और स्लीपिंग कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने अभी तक वॉच को पहन के स्लीप नहीं किया था इसलिए। तो अभी आप सेटिंग्स में जाओगे तो आप देखोगे तो यहाँ आपको स्टेटस दिख जाएगा कि वॉच कनेक्टेड है और इसका वर्जन दिख जाएगा और बैटरी कितने परसेंट चार्ज है और वॉच का नाम दिख जाएगा। तो आप वॉच को फाइंड कर सकते हो। तो आप जैसे ही देखोगे तो वॉच वाइब्रेट हो रही है, अब वॉच हो चुकी है फाइंड। तो यहाँ अगर आप इन्फो में जाओगे तो यहाँ आप अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर सकते हो और यहाँ टारगेट सेट कर सकते हो कि आपको रोज कितने स्टेप्स का टारगेट चाहिए। और फिर आप जाओगे सेल्फी में, तो इस ऐप में एक सेल्फी का ऑप्शन है जिससे आप फोटोज ले सकते हो, पर वॉच में ये अभी एक्टिवेट नहीं है। मतलब वॉच में से आपको कोई भी फीचर ऐसा आता नहीं आगे कि जिससे आप फोटो ले सको, नहीं तो वैसे वॉचेज में आ जाता है, दूसरी वॉचेज में आता है। क्या पता इस वॉच में क्यों नहीं आ रहा है, कि ऐप का कोई इशू है, वॉच का कोई इशू है। आप सेटिंग रिमाइंडर यहाँ से ऑन कर सकते हो इस ऐप में, और यहाँ से आप अलार्म ऐड कर सकते हो और फिर एक्टिवेट कर सकते हो। तो इस फीचर से होता ही है कि जब अगर वॉच का डिस्प्ले बंद होगा और आप उसको ऐसे करोगे तो वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाता है, पर ये भी ये वॉच में वर्क नहीं कर रहा है। तो आप देखोगे तो इसमें आप मैसेज ले सकते हो फ़ोन के, SMS, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, ये ऐप के थ्रू, और वेदर अपडेट्स भी ले सकते हो। एक्चुअली इसमें अपडेट हो चुका है ऐप में, पर वॉच में अपडेट नहीं हुआ। तो अब आप देखोगे तो यहाँ डायल एक्टिवेट ही नहीं होगा। अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो लिख के आएगा कि डायल इज़ नॉट अवेलेबल, फिर आप जब दो तीन बार क्लिक करोगे तो ही डायल आएगा। ये देखिए अभी नॉट अवेलेबल आ रहा था, अभी अवेलेबल हो गया। तो यहाँ कुछ कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि किसी को दिखता ही नहीं कि कस्टम डायल कहाँ है। तो कस्टम डायल ये साइड है गाइस, यहाँ कस्टम डायल है और यहाँ ऑनलाइन डायल है। तो कस्टम डायल में अगर आप चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे, जैसे एल्बम खोलोगे तो आप खुद की फ़ोटो ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाली फ़ोटो ऐड कर ली है। तो आप ऐसी कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हो उससे। तो इस पर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ टाइम वाइम ये सब सेट कर सकते हो कि आपको कौन से साइड पर चाहिए। तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ या ऊपर कर देता हूँ, और जैसे आप सिंथेसिस करोगे तो वॉच में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वॉलपेपर वॉच में लोड हो रहा है, पर ये बहुत ही स्लो लोड होता है। तो अब आप देखोगे तो इसमें फ़ोटो लोड हो चुकी है और ये HD में आई है। तो इस वॉच में एक टाइम पे एक ही फ़ोटो लोड होती है, तो आप अपनी कोई भी फ़ोटो इसमें लगा सकते हो, और ऑनलाइन से आपको बहुत कम डायल मिलते हैं। एक्चुअली पर्सनली मेरे को ये ऐप पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं जितने होने चाहिए। आप इससे कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो ऐड में जाके, और इसमें अदर सेटिंग्स में आपको वाइब्रेशन मिल जाता है, OT अपग्रेड का, और रीसेट भी कर सकते हो वॉच को
डिसकनेक्ट कर सकते हो और यहाँ आपको वॉच का अबाउट मिलेगा ऐप का, और यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएगी इस ऐप की। तो आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।